हे गाइस, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम BGMI स्ट्रीम कर सकते हैं विद इन गेम चैट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम वायरलेसली सेटअप कर सकते हैं और BGMI स्ट्रीम कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे दो तीन कमांड्स है, उसको रन करने से आपका डिवाइस आपके PC या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा और टोटल वायरलेसली आप स्ट्रीम कर सकते हैं। सबसे पहले आपका लैपटॉप और स्मार्टफोन एक ही वाईफाई से कनेक्ट होके रहना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन में जो भी आपने वाईफाई कनेक्ट किया था उसके डिटेल्स में जाओ और वहाँ पे एक IP एड्रेस रहेगा, उसको आप याद रख लेना है, नहीं तो आप कहीं पे भी लिख के रख सकते हैं क्योंकि हम आगे चल के कमेंट्स में उसको यूज़ करेंगे। और गाइस, आपके स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शंस में जाना है, वहाँ पे USB डिबगिंग को इनेबल करना है। अगर एक्स्ट्रा दो ऑप्शंस भी दिख गए तो उसको भी आपको इनेबल करना पड़ेगा, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया था। और वैसे ही यहाँ पे भी आपको वो फाइल्स को डाउनलोड करना है और जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसका जो पैथ है उसे कॉपी करके रखो क्योंकि हम उसको पेस्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट में। और आपके लैपटॉप या PC में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, उसमें आपको टाइप करना है CD space और Ctrl+V, मतलब CD space जो भी हमने कॉपी किया था पैथ को उसे वहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाना है। तो पहला कमांड के लिए हम डेटा केबल कनेक्ट करना है, उसके बाद हम टोटली वायरलेसली जा सकते हैं। जब भी आप पहली बार कनेक्ट करते हो USB डिबगिंग को एनेबल करके, आपको एक RSA की का पॉपअप आता है, ऑलवेज दबा के एलो कर लेना है, तब आपको बाकी के सब कुछ काम करेंगे। अभी हमको पहला कमांड रन करना है ADB space TCP IP space 5555 और उसके बाद एंटर दबाओ और नीचे आपको दिखेगा कि रीस्टार्टिंग इन TCP IP मोड। इसका मतलब गाइस, यहाँ पे वो जो TCP IP मोड में वो जाएगा। उसके बाद गाइस, आप डेटा केबल को निकाल सकते हो, आपके स्मार्टफोन कहीं पे भी बाजू में रख लो क्योंकि अब हम सब कुछ वायरलेसली करेंगे। तो अभी हम सेकंड कमेंट जाएंगे, तो टाइप करो ADB space current space और यहाँ पे जो भी IP एड्रेस को आपने ऐड किया था स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसको वहाँ पे टाइप करना है। और सारे कमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एंटर दबाओ और ADB डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरा और लास्ट कमेंड यह है कि आपको टाइप करना है SCR CPY, बस आपका स्क्रीन वहाँ पे मिरर हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल ADB डिवाइसेस को कनेक्ट किया है तो वहाँ पे आपको एडिशनली IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं एक ही स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं टाइप कर सकता हूँ SCR CPY। और डिफ़ॉल्ट बिटरेट है 8 MBPS और रिजोल्यूशन भी आपका स्मार्टफोन के स्क्रीन के हिसाब से आ जाएगा, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा कमांड है, अगर आपको लगता है कि स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा है क्योंकि वायरलेसली हम कर रहे हैं, जब आप एक कमांड को रन करना है तो सिंपली यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि B4M मतलब बिटरेट 4 MB और यहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन रखा था M1000। तो गाइस, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली स्क्रीन मिरर कर लिया है, वो भी वायरलेसली। तो यहाँ पे बाकी के सारे चीज़ें सेम है, सिंपली आप जो साउंड कॉपी का बैच फाइल है उसे ओपन करो। अगर वहाँ पे पॉपअप दिखा तो वहाँ पे एलो करना पड़ेगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। आपके स्मार्टफोन में पॉपअप आएगा, स्टार्ट पे दबाना है। एट द सेम टाइम ये जो साउंड कॉपी का कमांड है उसमें भी आपको एंटर भी दबाना है, बस आपका स्मार्टफोन का ऑडियो भी PC में जाएगा। और अभी OBS में जाओ, विंडो कैप्चर ऐड करो, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका स्क्रीन मिररिंग का विंडो। उसके बाद ऑडियो आउटपुट कैप्चर को ऐड करो, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट PC ऑडियो ड्राइवर को सेलेक्ट करना है, बस आपका ऑडियो भी OBS में जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल माइक्रोफोन को ऐड करना पड़ेगा ताकि आप व्यूअर्स के साथ बात कर सकें। तो गाइस, ये जो मेथड को आप यूज़ करके आप आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं विद इन गेम चैट। बस आपका स्मार्टफोन में जैक हो तो वाइड ईयरफोन्स लगा लो, अगर ओनली टाइप सी है तो कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी आप लगा सकते हो। PC में भी ऑडियो जाएगा, एट द सेम टाइम आपको भी स्मार्टफोन में ऑडियो आ जाएगा ताकि आप सुन सकें और इन गेम चैट कर सकें। तो ये जो वायरलेस सेटअप में बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपका स्मार्टफोन को आपके चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, मतलब फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा और लंबी समय तक आप स्ट्रीम कर सकते हैं। ये सब कुछ हम वायरलेसली कर रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत लैग रहता है, तभी आपको बिटरेट कम कर लेना है, रिजोल्यूशन कम कर लेना है। इसी के हिसाब से OBS में आप 720-60 फ्रेम्स आसानी से कर सकते हैं। तो फुल HD स्ट्रीमिंग के लिए शायद वायर का मेथड अच्छा रहेगा। तो गाइस, ये है सेटअप, सब कुछ हमने वायरलेसली कर रहे हैं, स्क्रीन मिररिंग, ऑडियो मिररिंग। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट करो। तो स्टे ट्यून्ड रहो, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपको काम आने वाला है।